हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो यार, मेरे पास थे ना लेफ्ट ओवर बॉइल्ड पोटैटोस, तो मैंने सोचा उसका कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। यार गाइस, मैंने तो ना बॉइल्ड पोटैटोस के ऐसे बहुत सैंडविचेस देखे हैं कि उसको मतलब कैसे अपन यूज़ करें, ऐसा नहीं कि ज़्यादा, बट हाँ कुछ कुछ स्पेशली भी ये डिश ट्राई करते हैं। तो आप भी मुझे कॉमेंट करके बताना आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी एंड ये वाला आइडिया कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ज़रूरी हैं। गाइस, बहुत जने तो आलू की टिकिया बना के भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करते हैं, बट हम यहाँ पर एक बिल्कुल सब्जी बनाएंगे जिससे पेट भी भर जाए। पर आलू की टिकिया से क्या होगा, मतलब ऐसे शौक तो हो जाता है बट पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता अपना। इस वजह से मैंने ये वाला नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करा। लेट स्टार्ट। तो गाइस, हम यहाँ पर लेंगे 3 बॉइल्ड पोटैटोस। आपको अगर लेफ्ट ओवर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है तो फिर आप बॉइल्ड की जगह कच्चे वाले पोटैटोस को भी ऐसे कट करके रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी के लिए 1 टमाटर, 1 प्याज, 2 से 3 लहसुन, 4 से 5 ब्लैक पेपर की बॉल्स मतलब खड़ी काली मिर्च और 1 से 1.5 तेज़पत्ता, 2 चम्मच पीनट्स पाउडर मतलब दाने मूंगफली के दाने का पाउडर। तो अब सब हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स हैं सबको हम ऐसे ग्राइंड कर लेंगे। हो गया है बिल्कुल ये फाइन पेस्ट के स्ट्रक्चर में रेडी। तो फाइनली अब हम आते हैं हमारे फ्राइंग प्रोसेस पर। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पैन लेना है, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है। गाइस, आपको लगेगा कि ऑयल ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, बट नहीं, ग्रेवी सेकने के लिए थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है, आधी से 1 चम्मच ज़्यादा ही डालना। अब इसे हम गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे राई, जीरा, तेज़पत्ता, खड़ी वाली काली मिर्च, इन सभी को अच्छे से कुक होने देंगे, मिक्स कर लेंगे। एंड इसके बाद हम डालेंगे इसमें ग्रेवी, मतलब जो हमारी ग्राइंड करी हुई ग्रेवी थी इन सबको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से 10 से 15 मिनट तक मिनिमम इसमें बिल्कुल कुक करेंगे और आधी चम्मच हींग डाल देंगे अगर आपको टेस्ट पसंद है तो। आपको नहीं पसंद आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से कुक करेंगे, ये सरफेस पर नहीं चिपके इसलिए इसे बार बार मूव करेंगे अगर आपका पैन नॉनस्टिक नहीं है तो, और अगर नॉनस्टिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डांस भी कर सकते हो इन सबको छोड़ के ऐसी मस्ती में। गाइस, ये ग्रेवी अपनी जले नहीं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। इसे अच्छे से बॉईल होने दो। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे। सब मसाले के आइटम्स बिल्कुल उसकी क्वांटिटीज स्क्रीन पर है। हमें इसमें डालना है नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया मतलब ऑयल ऑब्टेन कर दिया, मतलब ग्रेवी कुक हो चुकी है। अब हम इसमें सारे आलू को ऐड कर देंगे। अब गाइस, इसमें ऐड करेंगे हम इस स्टेज पर पीनट्स का पाउडर मतलब मूंगफली के दाने पिसे हुए, और थोड़ा सा पानी, और अच्छे वाले टेस्ट के लिए थोड़ा सा क्रीम भी डाल सकते हो। और ज़्यादा स्ट्रक्चर चाहिए बिल्कुल रेड वाला मार्केट स्टाइल तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स में नहीं बताया। अब सब चीज़ इसमें मिक्स कर देंगे, मूंगफली के दाने का पाउडर, पानी, और थोड़ी सी चीज़ या फिर मेयोनीज या फिर आप ऐसे क्रीम हो तो भी आप उसे ऐड कर सकते हैं, क्रीम मलाई, तो इससे क्या होगा एक क्रीमी स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। एंड गाइज, इसको थोड़ा सा बॉईल करने के बाद हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इन्जॉय करो इसको यम्मी यम्मी पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, जिसके साथ भी इन्जॉय करना है। मैं तो इसे पराठे के साथ इन्जॉय कर रही हूँ बिकॉज पूड़ी फिर ज़्यादा ऑयली हो जाती है, इससे अच्छा पराठे बेस्ट है। एंड गाइस, कैसी लगी रेसिपी, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना ताकि मैं ऐसे ही ट्रिक्स ला सकूँ, मोटिवेट हो सकूँ। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।